40 चोर आजाद होने वाले हैं। चालीस चोरों को तो मरे हुए 20 साल से ऊपर हो गए, वो वापस कैसे आ सकते हैं? चांद के टूटने से 40 चोरों का क्या वास्ता? क्या हो क्या रहा है? और इतनी भीड़ क्यों जमा है यहां? अरे एक मामूली सा जलजला था, अल्लाह का शुक्र है टल गया। चलिए चलिए, आप सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाइए। जाइए मोहतरम, इधर देखिए। जादूगर मुस्तफा की माँ 40 चोरों की गुफा से इकलौती जिंदा लौटने के बाद जो सालों से घर से बाहर नहीं निकली, आज अचानक कैसे? अब उधर देखिए। ये टूटा हुआ चांद, ये खौफनाक हवाएं दस्तक हैं सिमसिम के 40 चोरों की। आ रहे हैं वो अपना तोहफा शहजादी को लेने और बदले में मुझे काबुल शाही का ताज देने। अलविदा मरियम। मामूजान, मामूजान! नजर रखना इस पर, बहुत कीमती तोहफा है। मामूजान! अगर 40 चोर वापस आ गए तो कौन बचाएगा हमें उनसे? कैसे बचाएंगे हम अपने खानदान को इन शैतानों से? एक लफ्ज नहीं कहेगा कोई। ये वक्त आपस में लड़ने, खौफजदा होने और अफवाह फैलाने का नहीं है। वो 40 चोर मारे जा चुके हैं और मरे हुए जिंदा नहीं हुआ करते। जब चांद तो टुकड़ों में हो सकता है तो 40 चोर भी वापस जिंदा आ सकते हैं। पहली बार अकल की बात की है इस कमजर्फ ने। और 40 चोर आ गए तो हमें तो हिफाजत चाहिए। वक्त आ गया है जनाब दारा गजी को आवाम में बढ़ते इस खौफ की इत्तला देनी होगी। रहबर, ये जंग हम किससे लड़ने वाले हैं? उनसे जो चांद को दो टुकड़ों में तोड़ने का दम रखते हैं। ये जंग इंसानों के साथ नहीं है जहांगीर, शैतानों के साथ है। जो शैतान अपने पूरे लश्कर के साथ तबाही फैलाने निकल चुका है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.